क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू किस द आउटपुट वीडियो सीरीज़ प्रेजेंटेड बाय लर्निंग लैड हिंदी। और इस ट्यूटोरियल पे आप लोग स्क्रीन पे एक सी प्रोग्राम को देख रहे हैं। अभी आपको इस वीडियो को पॉज करना है और इस सोर्स कोड को ठीक से देखना है। आपको पहले ये चेकआउट करना है कि क्या ये जो प्रोग्राम है इसमें कुछ एरर है या नहीं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है तो आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट को गेस करना है। तो अभी आप लोग इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब आप लोगों के पास एक आंसर होगा तब आप लोग इस वीडियो को वापस प्ले कीजिए। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि आप लोगों के पास इस प्रोग्राम के लिए एक आंसर है। तो मैं इस प्रोग्राम को अभी बिल्ड एंड रन करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्लिक किया बिल्ड पे और बिल्ड एंड रन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम लोगों को एरर आता है लाइन नंबर 9 पे। अगर हम लोग यहाँ पे एरर लॉग्स को ओपन करके ये देखें कि एरर क्या है तो यहाँ पे कहता है कि लाइन नंबर 9 पे एरर एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर एक एल्स को यूज़ किया है और वो एल्स जो है वो किसी भी इफ स्टेटमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे एरर क्यों आता है? तो पहली बात ये है कि जब आप लोग इफ एल्स को यूज़ करते हैं तो आप लोग इफ को अकेले यूज़ कर सकते हैं, उस इफ के साथ कोई एल्स पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर आप लोग एल्स को अकेले यूज़ नहीं कर सकते। जब भी आप लोग एल्स को यूज़ करेंगे तो उसे किसी भी इफ स्टेटमेंट का पार्ट होना चाहिए। पर यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट को राइट किया है और एल्स भी है तो भी एरर क्यों आया? तो आप लोगों को पता है जब हम लोग इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके कुछ कोड के एक रीजन को फॉर्म करते हैं। तो उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो इफ स्टेटमेंट का पार्ट हो जाएगा, पर यहाँ पे हमने उस कर्ली ब्रेसेस को यूज़ नहीं किया है। अगर आप लोग इफ स्टेटमेंट के बाद कर्ली ब्रेस को यूज़ करके एक कोड के रीजन को फॉर्म नहीं किया है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे इफ़ के साथ किसी भी एक कोड के रीजन को फॉर्म नहीं किया है तो ये इफ़ होने के बाद सिर्फ नेक्स्ट स्टेटमेंट को ही इस इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट माना जाएगा। मतलब है कि यहाँ पे इस इफ स्टेटमेंट के लिए ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है सिर्फ ये ही इस इफ स्टेटमेंट का पार्ट हो जाएगा। ये माइनस माइनस एक्स जो है ये इस इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके एक कोड के रीजन को फॉर्म नहीं किया है। अगर हम लोग यहाँ पे एक कर्ली ब्रेस को यूज़ करके फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ऐसे करके कोड के रीजन को फॉर्म करते तो जो भी स्टेटमेंट इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है ये सब इस इफ स्टेटमेंट के पार्ट हो जाएंगे। पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इस कर्ली ब्रेस को यूज़ नहीं किया है तो उस वजह से यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट जो है इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट को ही इस इफ का पार्ट माना जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है सिर्फ ये ही इस इफ स्टेटमेंट का पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये परफेक्टली वैलिड है क्योंकि हम लोग एक इफ को अकेले ही राइट कर सकते हैं, हमें एल्स पार्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाद में यहाँ पे ये माइनस माइनस एक्स है, यह भी एक वैलिड स्टेटमेंट है, पर बाद में यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट है। अभी ये एल्स स्टेटमेंट जो है ये किसी भी इफ स्टेटमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया हम एल्स को अकेले यूज़ नहीं कर सकते, इसे किसी ना किसी इफ स्टेटमेंट का पार्ट होना चाहिए। पर ये जो इफ स्टेटमेंट है हमारा ये यहीं पे ख़त्म हुआ और बाद में हमारा कुछ और स्टेटमेंट भी है और बाद में यहाँ पे एल्स अकेले पड़ा है, अकेला है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को एरर आ रहा है। और ये एरर कह रहा है कि एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ स्टेटमेंट। अगर हम लोग इस प्रोग्राम को ठीक करने की बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे इस कर्ली ब्रेस को यूज़ करके कोड के रीजन को फॉर्म करना है। तो ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट जो है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक चलेगा। अभी आप लोग देख सकते हैं ये एल्स पार्ट जो है ये इस इफ स्टेटमेंट जो है इसका पार्ट है क्योंकि इस एल्स के पहले हमारा इफ स्टेटमेंट का रीजन आता है। तो जब हमने कर्ली ब्रेस को यूज़ नहीं किया था तो इस इफ स्टेटमेंट का रीजन जो है वो इस एल्स पार्ट के तक नहीं आता था।
तो उसकी वजह से हम लोगों को एरर आया है। तो ये हुआ दोस्तों इस ट्यूटोरियल के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो के ज़रिए कुछ सीखा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। और आपका जो भी सुझाव है, जो भी राय है, उसे हमें कमेंट के ज़रिए बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर मिलूँगा।